जाना पड़ता है बहुत हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फिलहाल हुए एटीएम में। तो आज जो है मैं जिम भी नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ मनीषा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसको जो है मैं लेके आया हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के फिलहाल अभी आया नहीं है, तो इसके लिए मैं अभी फिलहाल एटीएम में आया हूँ कुछ कैश निकालने के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर पास गया डॉक्टर को कुछ पे करना पड़ेगा ना, तो उसके पास आज जीपे नहीं था, इसके लिए मैं आया हूँ एटीएम में थोड़ा कैश निकाला। तो चलो अभी चलता हूँ, कैश भी ले लिया मैंने निकाल के, तो सब कुछ बंद कर दिया। चलो अब जाता हूँ, मनीषा को मैं बिठा के रखा है और हमारा जो नंबर है हमारा नंबर फर्स्ट है, क्योंकि जो जिस क्लिनिक में लेके मैं आया हूँ उसका टाइमिंग था 7 o'clock का, लेकिन हम लोग पहुँच गए 6:30 बजे, मतलब आधा घंटा हम लोग को वेटिंग करना पड़ा। तो चलो अभी मैं आपसे निकलता हूँ, अभी मनीषा वहाँ बैठी है, तो दिखता डॉक्टर आए कि नहीं मालूम नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। घे ना शोल्डरवरती घेणारस ना, शोल्डरवरती घे ना, ते काढ ना ते बॅग, जे माझ्याकडे ते बॅग चल, हां घे इंजेक्शन घे। दिसेल का तो गाइज फाइनली जो है मनीषा को हॉस्पिटल से घर पे लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं मनीषा की कंडीशन कैसी है। 3 दिन से जो है मनीषा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसके लिए जो है मैं आज उसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेके गया था, क्योंकि इससे पहले भी मनीषा को मैं हॉस्पिटल लेके आया था उस, लेकिन उनके कुछ दवाई उनके जो दवाई से मनीषा को कुछ भी असर नहीं हुआ, इसके लिए आज हम लोग मैं उसको दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया। तो मनीषा को जो है आज उन्होंने टैबलेट्स और इंजेक्शन दिया है, तो देखते हैं मनीषा की कंडीशन मतलब ठीक होती है कि नहीं। तो आप जो नीचे कमेंट जरूर करिए कि गेट फील सून करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।